दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 10th पेपर से समाज विधि प्रविधि को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं समाज विधि प्रविधि को। जब व्यक्ति समूह में रहते हैं या कार्य करते हैं तो उनके बीच सामाजिक संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे स्कूल या कॉलेज में कुछ व्यक्तियों में अत्यंत घनिष्ठता या मित्रता हो जाती है और कुछ में भेद या सामाजिक दूरी बनी रहती है। सामाजिक परिस्थितियों में इतनी विभिन्नता पाई जाती है कि एक सामाजिक परिस्थिति में एक व्यक्ति को सब चाहते हैं, किसी अन्य सामाजिक परिस्थिति में उसे सब त्याग भी सकते हैं। जैसे कि एक बालक वाद विवाद में अत्यंत प्रिय है। दूसरी तरफ यह जरूरी नहीं है कि क्रिकेट के खेल में भी उसकी उतनी प्रसिद्धि हो। समाज विधि प्रविधि का उपयोग करके व्यक्ति के किसी समूह के सदस्यों के साथ किस प्रकार का संबंध है यह जाना जा सकता है। एंड्रयू तथा विली के अनुसार, एंड्रयू और विली ने जो बताया है उसे देखते हैं। समाज विधि एक ग्राफिक चित्र है जिसमें कुछ संकेतों और चिन्हों का प्रयोग समूह के सदस्यों में सामाजिक स्वीकृति अस्वीकृति की पद्धति को दर्शाने के लिए किया जाता है। जस्टमैन व रॉबिन्स के अनुसार सामाजमितिक विधियां किसी समूह के सदस्यों के बीच किसी खास समय पर मौजूद पारस्परिक संबंधों को जानने का साधन है। अब हम समाज मिति प्रविधि के जो है प्रकार को देखेंगे। यह जो है राइट स्टोन, जस्टमैन, रॉबिन के अनुसार इसे जो है तीन भागों में रखा गया है। साथ रहने के आधार पर इसमें व्यक्ति के लिए एक कसौटी दिया जाता है जिसके आधार पर साथ रहना होता है। उस कसौटी के आधार पर ही साथ रहना होता है और व्यक्ति से पूछा जाता है कि वह एक समूह में कितने लोगों के साथ दी गई कसौटी के आधार पर रहना पसंद करेगा। दूसरा जो है क्रम निर्धारण, इसमें एक व्यक्ति से अपने वर्ग के सभी सदस्यों का एक पूर्व निर्धारित मान के अनुसार क्रम निर्धारण करने के लिए कहा जाता है। व्यक्ति तीसरा जो है वह व्यक्ति को चुनना, व्यक्ति विशेष को चुनना। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति से यह कहा जाता है कि वह अपने समूह के ऐसे सदस्यों को चुने जिसमें उसे कुछ विशेषताएं दिखाई पड़ती है। अब हम समाजमिति प्रविधि का जो है उपयोग को देखेंगे। सामाजिक समायोजन संबंधी समस्याओं के समाधान में यह सहायक होती है। रुचियों एवं कौशलों के चयन में समाजमिति प्रविधि सामान्य रुचियों एवं कौशलों के लोगों के चयन में सहायक होती है जो कि रुचियों और कौशलों के आधार पर वर्ग के निर्माण में सहायक होती है। छात्रों के वर्गीकरण में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के अनुसार छात्रों के वर्गीकरण में सहायक होती है। व्यक्ति के अध्ययन में समाजमिति प्रविधि सामाजिक विकास एवं सामाजिक समायोजन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी व्यक्ति का सामाजिक विकास एवं समायोजन संतोषप्रद होता है जो अपने परिवार पड़ोस एवं समुदाय के लोगों के साथ सहयोग करना जानता है और उनके सुख दुख में जो है साथ रहता है। तो ये था समाजमिति प्रविधि। धन्यवाद। आप अगर ऑल एंड सबको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।